15 तारीख लगाया हिन दो रात हों डाटा 17 लो मेरे पे 5 बजे खबर आ गई इतना ही बड़ा बच्चा कह गए गया हूं सो हम बिलाल लंबी नली पकड़ ली वो तो हम मार गए मेरा नबी नली जड़ी कुछ ना पकड़ी तो हम सो मर ही आयो है। उन्होंने ये बात कबूल की है जी बिरादरी में कि हमारे जो है हमसे गुनाह हो गया, हम सिलेंडर है आपके सामने, जैसे आपका पेट भरा जाए वैसे पेट भर लो, हाँ ले दे के यही फैसला कर लो। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी है, हम थाने गए, थाने जाके हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है, फिर हमने डेड बॉडी उठाई है, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करा के लाए। सिंगार गाँव में अपनी पत्नी को लेने आए बिलाल नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने बिलाल की पत्नी सहित ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। बिछोर पुलिस ने मृतक की पत्नी नजराना, सलीम, याबूक, खुर्शीदन और रमजान सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि बिलाल का उसके ससुराल वालों से बिगाड़ चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने बिलाल को मौत के घाट उतार दिया। बिलाल जय सिंहपुर गांव का रहने वाला है, जिसकी शादी करीब 3 साल पहले सिंगार गांव की रहने वाली नजराना पुत्री याकूब के साथ हुई थी। जय सिंहपुर निवासी जमील ने बताया कि उनका छोटा भाई बिलाल 15 नवंबर को शाम दोपहर के बाद वह अपनी पत्नी को लेने सिंगार गांव गया था। 2 दिन बाद जब उनके पास सिंगार गांव से फोन आया कि बिलाल की मौत हो गई है, तो खबर सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों का आरोप है कि पहले उन्हें बताया गया कि बिलाल की करंट लगने से मौत हुई है, इसके बाद कहा गया कि उन्होंने फांसी लगाई है। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने बिलाल को देखा तो पता चला कि न तो उन्होंने फांसी लगाई है और न ही बिजली का करंट। परिजनों का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने उनकी हत्या की है। नूंह से हमारे सहयोगी जुबेर खान की ये रिपोर्ट देखिए। जी ये बिलाल मेरा छोटा भाई है जी, यहाँ से 15 तारीख को शाम दोपहर के बाद में गया था जी, सिंगार गांव को अपनी बहरबानी को लेने के लिए। तो वहाँ से फ़ोन आया जी 17 तारीख में सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे करीब, 5:30 या 6 बजे करीब, और फ़ोन भी उनका यहाँ दूसरा साडू है उनके पास आया, हमारे पास फ़ोन भी नहीं आया जी। तो उनका लड़का आया यहाँ पे कहने के लिए जी, छोटा सा बच्चा जी। तो हमें तो ऐसा मालूम हुआ जी, वहाँ जाके देखा तो उन्होंने कहा था फ़ोन पे, हमने यहाँ से फ़ोन करा जब कि भाई इसने बिजली पकड़ ली, वहाँ जाके कही उनने फांसा लिया इसने, वहाँ जाके देखा तो ना फांसे की वहाँ कोई ऐसी उपाय हमने कि यहाँ ने फांसा लिया है, ना कोई करंट का उपाय हमने। आपके जो भाई है मृतक उनकी कितनी उम्र है? तकरीबन 23 या 22 साल की उम्र है। कितने साल पहले शादी हुई इस दिन? 3 साल पहले जी। तो कभी अपने ससुराल वालों से उनकी अनबन थी या किस बात को लेके? उनसे अनबन ही थी हाँ जी, एक आध पर वो पंचायत के ये वहाँ पे पंचायत के साथ भी ना भेजी जी, फिर उनने उसी के साथ भेजी थी वहाँ से। अभी तक इस मामले में जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे संतुष्ट है आप? ना है जी, कोई कार्रवाई करी ना जाए अभी। तो पुलिस कप्तान से आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए जी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा।